यूपीपीसीएस आरओ यारओ में अब जितना समय रह गया है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय को यूज़ करें, सारी चीज़ों को पढ़ डालें। क्योंकि पहले आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई है वो भले आपको याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये जो लास्ट टाइम होता है ना, लास्ट टाइम पे दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगी वो आपको फटाफट से याद भी होगा, और अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम में दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाती है। और मैं तो आपको कहूँगी कि परीक्षा वाड़ी मैंने जितनी भी चीज़ों को कवर कराया हुआ है ना, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, उसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिए, आप एकदम श्योर हो जाएंगे 100%, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन की उसमें संख्या है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। लूसेंट को आप देख लीजिए। और यूपी स्पेशल के लिए मैंने दृष्टि द विजन की बुक से जो यूपी स्पेशल के लिए कराया हुआ था, उससे बाहर मुझे लगता है कि यूपी स्पेशल में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक एक चीज़ों को दृष्टि ने उस बुक में कवर किया हुआ है, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे वो यूपी का कोई जीके हो, तो हर चीज़ों को उसमें कवर किया गया है। इसके साथ में आपको बजट आपके बजट भी उसमें मिल जाएंगे, इसके साथ में ही आपके सारे जितने भी करंट अफेयर हुए हैं, कितनी भी नई घटनाएं हुई हैं यूपी से संबंधित, उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है उसमें। तो वो बहुत ही अच्छी किताब है जिससे मैंने कवर कराया हुआ था। अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप यूपी स्पेशल के लिए दृष्टि द विजन की जो मैंने बुक से कवर कराया हुआ है वो चीज़ आप ज़रूर से देखिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा आपके लिए। तो लास्ट जो समय है उसमें आप सही जगह पे अपना एनर्जी वेस्ट करें, अपना दिमाग सही जगह पे लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, और पढ़े भी वही चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो।